2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप एक चीज को थोड़ा देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव में जहां भी लड़े, आपने देखा होगा उनकी चुनाव की जो बढ़त है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से वह कम से कम 17,000 से ज्यादा है, 17,000 से आगे बढ़ती है और 17,000 से 32,000 तक पहुंचती है। यानी निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त किस रूप में है, ये आगामी चुनाव में और अगले पैनल में पहले से प्रदर्शन करता है कि सरकार टीम वर्क के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हों, लोक कल्याण के कार्य हों, नौजवानों के रोजगार के कार्य हों, प्रदेश के विकास हों, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल हो, प्रदेश के अंदर निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हो, सभी कार्यक्रम जहां युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं वहीं सरकार के इन कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए संगठन के द्वारा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत जो परिश्रम किया जा रहा है वह एक साथ मिलकर के सरकार और संगठन की छवि को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है और आज का यह उपचुनाव उसी की परिणति है। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश के अपने उन सभी जनता जनार्दन को का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उपचुनाव में मतदान के लिए वे आगे आए और उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव में भाग लेकर के लोकतंत्र के प्रति अपने आस्था को व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 के बावजूद चुनाव के तमाम प्रकार के दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य किया और चुनाव जिताने में पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, आम जन के बीच में उसे पहुंचाने में जो योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं इस अवसर पर अपने हृदय से इस जीत के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्रदेश की इस पूरी टीम को, क्योंकि ये पूरी टीम जब भी जहां जिन्हें अपने दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी, मैं जानता था बहुत बार हम लोग इस बारे में तय करते थे कि नहीं रात्रि को ही हमें वहां पे उस कार्यक्रम में संगठन की बैठक में जाना है, अपने स्वयं की स्वास्थ्य की परवाह के बगैर ये लोग वहां पहुंच करके और उस कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करते थे। ये अपने आप में पूरे मंत्री परिषद के हमारे मंत्रीगण, संगठन के हमारे जितने पदाधिकारी थे, जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां पे जिन्हें लगाया गया वे सब वहां पे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते थे। इन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी जिन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भी मीडिया की रिपोर्टिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती और मुझे लगता है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रचार प्रसार के हर कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ लग करके इसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। लोकतंत्र को एक नया संबल इसे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर आज जो परिणाम आया है ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को
प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है, इन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं ये आम जनमानस का, जनता के, जनता आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर उन्हें और पूरी टीम को बधाई देता हूं, प्रदेश की अपने संगठन और सरकार से जुड़े हुए पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय